अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको डोरी पाइपिंग लगाने का तरीका बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसानी से आप अपनी शर्ट के घेरे और चाक पे डोरी पाइपिंग लगा सकती हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रही हैं कि मैंने डोरी पाइपिंग लगाई है और बहुत ही खूबसूरत भी ये लग रही है। तो इसे लगाने के लिए आपने जब शर्ट की कटिंग करनी है तो जितनी आपकी सिलाई की हुई शर्ट होगी उससे आपने 1 इंच चौड़ाई में शर्ट को ज़्यादा रखना है, यानी कि बढ़ा के रखना है, ताकि दोनों साइड से आधा आधा इंच सिलाई में आ जाए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से डोरी पाइपिंग लगेगी। सबसे पहले आपने शर्ट पे फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है, फिर आपने अंदर तकरीबन आधा इंच तक कपड़ा छोड़ना है। अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है तो आप आधा इंच से थोड़ा कम भी छोड़ सकती हैं ताकि सिलाई में आ जाए। फिर मशीन पर आपने इस तरह से कपड़े को बिछाना है और जो सिलाई उल्टी कमीज़ होगी, शर्ट की उल्टी साइड होगी, उसे आपने रख के ओपन करके चॉक्स को रखना है। फिर उसके बाद आपने इस पे इस तरह से डोरी पाइपिंग को रखना है सीधी साइड से, और फिर इस पे आपने सीधी सिलाई लगा लेनी है और नीचे तक आपने चॉक्स पे सिलाई लगाते हुए आना है। और उसके बाद आपने फिर इसे अंदर को फोल्ड करके इस तरह से प्रेस करना है। जब आप इसे प्रेस करेंगी तो सीधी साइड आपकी खुद ब खुद ही पाइपिंग बन जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक चॉक पर मैंने ये लगाई हुई है और दूसरे पर ये अब लगा रही हूँ। और आपने एक बात याद रखनी है कि ऊपर से आपने दोनों पाइपिंग के जो आपने इधर पीसेस लगाए होंगे बराबर हों, आगे पीछे ना हो। और फिर आपने सीधी सिलाई लगा देनी है, उसके बाद आपने पाइपिंग को फोल्ड करना है अंदर की साइड यानी उल्टी साइड, और सीधी साइड इस तरह से पाइपिंग खुद ब खुद ही बन जाएगी। उसके बाद आपने इस तरह से प्रेस कर लेना है ताकि नीटनेस आ जाए। और जो ये अंदर वाली साइड आपने फोल्ड की होगी पाइपिंग, इसे आप तरपाई भी कर सकती हैं या सिलाई भी लगा सकती हैं। तो बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको पाइपिंग लगाने का बताया। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरी इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल लाइफस्टाइल विद सदफ को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा।